दोस्तों जय माता दी। और दोस्तों देख लीजिए, ब्लॉग बहुत दिन के बाद में डालने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए कोई वजह कोई रीज़न रहना चाहिए, तब ब्लॉग बनता है। तो दोस्तों इसलिए देख लीजिए, मेरा माता रानी का पंडाल बन के रेडी हो चुका है, पूरा दिन मेरे बच्चे बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए, दिखाती हूँ। चलिए देख लीजिए पंडाल, इधर देखिए अंदर, देख लीजिए दोस्तों, देखिए कैसा पंडाल बना है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। मेरा बाबू बहुत मेहनत करता है दोस्तों, मेरा बाबू जो है स्कूल भी जाता है, दो दो कोचिंग करता है, उसको आने में 6 बज जाता है दोस्तों, लेकिन क्या करें, मेरा बाबू सब कुछ अकेले किया है। देख लीजिए आप लोग, तो ब्लॉग वीडियो बहुत ज़्यादा दिन हो गया था नहीं बना था दोस्तों, तो सोचे आज बना लें। और दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि जो है नेट नहीं चल रहा है, एक एक वीडियो लोड करने में जानते हैं आधा आधा घंटा लग जा रहा है दोस्तों, लोड ही नहीं हो रहा है, इसलिए दो वीडियो एक वीडियो यही पढ़ पा रहा है, वीडियो टाइम से नहीं पढ़ पा रहा है दोस्तों, यही सब बातें हैं। बोलने में कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आपसे सॉरी बोलती हूँ। इधर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, रात में बहुत चमकेगा, और ये भी वीडियो में डाल रही हूँ, जल्दी लोड नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लोड होने में, बहुत ही ज़्यादा नेट नहीं चल रहा है, एयरटेल का इतने समय नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, एकदम परेशान हो गई हूँ मैं तो इसलिए डाली हूँ दोस्तों। आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे घर माता रानी बैठी हैं, सब लोगों को बुला रही हूँ, सब लोग जितने यूट्यूबर भाई बहन हैं सब लोग आ जाइएगा माता रानी के दरबार में। क्या है गोबर, इसको लिपना है दोस्तों, अभी लिपाया नहीं है क्योंकि कल आएंगी माता रानी, इसलिए नहीं लिपे, कल लिपेंगे, हाथ दर्द होने लगा, तो देख लीजिए रखो, इसमें रख दे यहाँ पे, है कुरादा, मेरा बाबू देखिए दोस्तों गोबर ले आके रखा है इसको लीपने के लिए। और दोस्तों मेरा बाबू आप लोगों से बता देती हूँ कितने साल का था, ये 6-7 साल का था, मुझे अब की 4 साल हो गया माता रानी को बैठाते हुए, अगले साल 5 साल हो जाएगा, और ये जिद करके बैठाया था, पता है दोस्तों फ़ोटो 2-3 फ़ोटो रख के बैठाया था, मना कि नहीं करना चाहिए ये वो, लेकिन ये नहीं माना, तो एक साल जब फ़ोटो रख के बैठाया तो सब लोग बोले 5 साल बैठाना चाहिए, इसलिए दोस्तों मैं मूर्ति मंगाने लगी और माता रानी को बैठाने लगी। माता रानी से ही रिक्वेस्ट, यही विनती है, रिक्वेस्ट नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट नहीं किया जाता है, विनती किया जाता है, तो यही मैं बोली हूँ कि बोलने में मिस्टेक होगा तो सॉरी दोस्तों। और जो है कि माता रानी से मेरी यही जो है कि मेरा बाबू पढ़ लिख के उस लायक बन जाए और मेरा घर बन जाए दोस्तों, मैं घर के लिए बहुत तड़पती हूँ क्योंकि मेरा घर बन जाए, मैं माता रानी से यही मांगती हूँ मेरा घर बन जाए दोस्तों, मुझे घर का बहुत शौक़ लगता है मेरे पास, क्योंकि घर नहीं है दोस्तों, बारिश वरिश होता है तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए ठीक है, फिर वीडियो बनाएंगे जब माता रानी आ जाएंगी, तो जय माता दी। अब वीडियो यहीं बंद कर देती हूँ।